धेय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। इस कार्यक्रम में हम आईएएस पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पी प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। हाल ही में किस देश में यूएन पीस कीपिंग मिशन में भारतीय जवानों पर हमला हुआ है? आपके ऑप्शन हैं ए सूडान, बी केन्या, सी हैती या फिर डी कॉन्गो। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में विद्रोहियों ने संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना के भारतीय जवानों पर हाल ही में हमला कर दिया। यह हमला 22 मई को अचानक किया गया और जैसे ही हमला हुआ भारतीय सैनिकों ने इसका डटकर मुकाबला किया और उसके साथ ही विद्रोहियों को उन्होंने खदेड़ भी दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने 24 मई को हमले की निंदा करते हुए एक बयान जारी किया और इसे शांति सैनिकों को निशाना बनाकर जानबूझकर किया गया हमला बताया और इसमें कहा गया है कि इस तरह के हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत युद्ध अपराध यानी वॉर क्राइम हो सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देने वाला उड़ीसा के बाद देश का दूसरा राज्य बन गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी छत्तीसगढ़। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। वनवासियों की आजीविका को मजबूत बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर जिले में एक राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित एक गांव के निवासियों को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्रमाण पत्र हाल ही में सौंपे। बस्तर के डीएम रजत बंसल ने बताया कि इस तरह छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देने वाला उड़ीसा के बाद देश का दूसरा राज्य बन गया है। दरअसल कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर गोंड आदिवासी समुदाय के 29 घरों का एक गांव गुड़िया पदार छत्तीसगढ़ का पहला गांव होगा जिसे राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सीएफआर अधिकार प्राप्त होगा। सीएफआर अधिकारों को मान्यता देने वाला यह भारत में उड़ीसा के सिमलीपाल के बाद केवल दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। एफआरए वन्यजीव अभयारण्यों, बाघ अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों सहित सभी वन भूमि में सीआर और सीएफआरआर मान्यता प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि वन्यजीव संरक्षण की प्रक्रिया में वन्यजीव समृद्ध क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों को पूरी तरह से शामिल किया गया है। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। कांगेर वैली नेशनल पार्क जो सुर्खियों में रही कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए मध्य प्रदेश, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़ या फिर डी उड़ीसा। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में मौजूद कांगेर वैली नेशनल पार्क में बीते कुछ महीनों से मानव दखल की वजह से वन्य प्राणियों की जान खतरे में पड़ गई है। दरअसल यह पार्क जैव विविधता के लिए पूरे प्रदेश में जाना जाता है और इस पार्क में मौजूद दुर्लभ प्रजाति के वन्य जीवों की वजह से ही पूरे देश में कांगेर घाटी नेशनल पार्क की पर्यटक प्रशंसा करते हैं। मानव दखल यानी ह्यूमन इंटरवेंशन के बाद से वन्य जीवों के अस्तित्व पर संकट का खतरा मंडराने लगा है और अब यह स्थिति है कि छत्तीसगढ़ के राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना के साथ साथ मगरमच्छ की रेयरेस्ट प्रजाति क्रोकोडाइल्स पोरोसस की संख्या भी लगातार घट रही है। वहीं कुछ जीव तो पार्क से विलुप्त भी हो गए हैं जो फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों के साथ साथ बस्तर वासियों के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए गुजरात, बी छत्तीसगढ़, सी राजस्थान या फिर डी मध्य प्रदेश। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व का उद्घाटन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर मुख्यमंत्री निवास से इसका लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व वन और वन्यजीव संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा और यह एक महत्वपूर्ण कदम है। गौरतलब है कि जैव विविधता को बनाए रखने के लिए वर्ष 2010 में ही राजस्थान जैविक विविधता नियम की अधिसूचना जारी की गई थी और प्रदेश में 3 राष्ट्रीय उद्यान, 27 वन्यजीव अभयारण्य, 16 कंजर्वेशन रिजर्व और 4 टाइगर प्रोजेक्ट हैं और हाल ही में राज्य के चौथे टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में रामगढ़ विषधारी को विकसित किया गया है। अब बात करते हैं आज के पांचवें और अंतिम सवाल की। 13 सदस्य देशों वाले इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं ए भारत, बी म्यांमार, सी रिपब्लिक ऑफ कोरिया या फिर डी वियतनाम।
इसका उत्तर है बी। व्याख्या देखते हैं। 23 मई को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा 13 सदस्य देशों वाले इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को लॉन्च कर दिया गया है। भारत इसका सदस्य है और इसमें भारत के अलावा अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और रिपब्लिक ऑफ कोरिया शामिल हैं। इस नए संगठन का उद्देश्य इन राष्ट्रों और खासकर हिंद प्रशांत क्षेत्र का धारणी आर्थिक विकास और क्षेत्रीय चुनौतियों का सामूहिक स्तर पर सामना करना है। तो ये था आज का हमारा डेली MCQ कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे कार्यक्रम को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।